देवास जिले के पुलिस थाना कन्नौज क्षेत्र के जंगलों में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात में पुलिस टीम द्वारा 10 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के मार्गदर्शन में देवास से विशेष पुलिस टीम द्वारा कन्नौज के संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रामपुर के जंगलों में जुआ खेलते आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में मुख्य सरगना सत्तू सरदार निवासी होशंगाबाद हाल काला पाठा फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। थाना कन्नौज टीआई की टीम ने रायपुरा के जंगल में जुआरियों को पकड़ा है, जिसमें 10 जुआरियों के कब्जे से करीब 15,000 रुपये नगद, उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और 11 मोबाइल फोन, कुल 3 लाख रुपये कीमती का हमने मसरूका जब्त किया है। इसका जो मेन सरगना है काला फाटा का रहने वाला पप्पू सरदार, वो फरार है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और सभी को हमने सभी के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। सर क्या कारण रहे सर, पुलिस एसपी द्वारा यहाँ पर विशेष टीम के द्वारा सर एक दल गठित करके कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें इनका जो लोकेशन लिया जाता है और विशेष टीम जो विशेष जुआड़ी है इस क्षेत्र के, उनके मोबाइल नंबर को हम उस सर्चिंग में रखते हैं और उस टीम के द्वारा जब इस तरह की सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस की मदद से इन जुआड़ियों को पकड़ा जाता है। धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।